मुझे बताइए, जापान की वो महिला पहलवान जो 42 बाउट में एक बार भी नहीं हारी, उसको उसको हमारी बेटी बिनेश फोगाट ने क्षणों के अंदर हरा दिया, जिसका बचपन से लेके आज तक का अजय रिकॉर्ड था, उसे देश की बेटी ने हरा दिया। इसके बावजूद भी के पूरा 2023 वो दिल्ली की सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही थी, संघर्ष कर रही थी, इसके बावजूद भी देश का तिरंगा ऊपर कर दिया। सिल्वर मेडल तो ऑटोमेटिक मिल गया था, गोल्ड मेडल विनेश फोगाट लेकर आनी थी, पर देश के प्रधानमंत्री को केवल ये कहने के अब वापस आ जाओ, देश के प्रधानमंत्री स्वयं कोई और प्रधानमंत्री होता तो आज अपने खेल मंत्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन के पास भेजता, विरोध दर्ज करवाता, दोबारा इसका एग्जामिनेशन होता, अगर कोई षड्यंत्र हुआ तो उसकी सारे की जांच होती और विनेश फोगाट को न्याय मिलता। ये सवाल विनेश फोगाट का नहीं, ये इस देश की हर बेटी हर खिलाड़ी का है, वो पुरुष हो या महिला हो, जो देश के तिरंगे के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है, जो जी तोड़ मेहनत करता है दशकों तक ताकि एक क्षण पर भारत का तिरंगा ओलंपिक के अंदर लहरा सके। आज पूरे देश के खिलाड़ियों को मोदी सरकार ने निराश किया है।